तो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो मैं हूँ श्रेष्ठ नेगी। तो यार मैंने माइनक्राफ्ट की सिस्टम साउंड्स एकदम फिक्स कर दी है। मतलब साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं किसने चेंज कर दी थी सेटिंग्स, एंड अब सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, आवाज़ कम कर ले श्रेष्ठ। ये भी ठीक है, 50 पे कर लेता हूँ मैं, 40 ठीक है भाई। हाँ इतना कर रहे हैं भाई साहब, 3 विलेजर है। हाँ 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 हाँ, और इतनी सारी गायें हैं एंड मू 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 मू। भाई मैं इन गायों को छोड़ूंगा नहीं। और ये पता नहीं इसके अंदर घुस कैसे गए भाई तुम। चलो लास्ट चांद दे रहा हूँ, बाहर निकल जाओ। अबे गायों को नहीं निकालना था ना, गायों को नहीं निकालना था। हाँ चलो तुम दोनों बाहर निकल जाओ, कोई नहीं। एक गाय को तो मैं इजी पीजीली मार दूंगा यार। अब फिर अंदर घुस गया, पागल है क्या भाई तू? ओके तो ये इस चेस्ट की वजह से घुस रहा है। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। क्राफ्टिंग, ये सैंड स्टोन के स्लैब बना लेता हूँ मैं, या फिर स्टेयर बना दूं। स्टेयर से भी होता है, यानी सैंड की स्टेयर नहीं बनती। देखता हूँ इसके ऊपर अगर तो मैं ऐसे स्लैब लगा दूं तो क्या मैं ओपन कर सकता हूँ? या ओपन कर सकता हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर एक और लगा दो। एंड यहाँ से कोई ना गिरे तो इसलिए मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो आवाज़ ज़्यादा हो गई तेज। फिक्स 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 फिक्सिंग। चलो भाई मार दिया। पीसफुल पे खेल रहा हूँ मैं वैसे तो। गेम मेन्यू, ये मुझे आवाज नहीं चाहिए थी। मैंने सबटाइटल भी ऑफ किए इसके। ओके तो तुम्हें एक लास्ट चांस दूंगा बाहर निकलने के लिए। निकले तो निकले, नहीं निकले तो नहीं निकले। भाई तू तो जेल गया है, तुझे तो जेल में रहना है भाई। तू जेल में रहेगा, तू जेल में रहेगा भाई। तुझे अंदर नहीं आना। चलो भाई ठीक है, अब खुश, अब दोनों के दोनों खुश रहो। इसमें नहीं है, ये रहा एक बेड, मेरी इन्वेंटरी में भी एक बेड है। तो ये ले एक बेड। इसे वहीं पे पड़ी हुई है ना, यहीं से घुसने से। अबे यार गाय, ये है कि सुबह हो गई भाई। तुम्हारे साथ मेरा ना दिमाग खराब हो चुका। पागल नहीं है ये विलेजर, फिर घुस गया अंदर। यहाँ पे भी लगाओ। चलो अच्छा हो इसने मुझे बता दिया कि कहाँ कहाँ पे लगा देना चाहिए भाई मुझे। अबे भाई तीसरा मेरा बेड है। एंड मुझे तेरे से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा है तुझे क्या हो रहा है। तो पिछली वीडियो में, अरे ये तो अंदर घुस गया। चलो भाई तू बच गई, दिमाग है इसके अंदर। तो पिछली वीडियो में हमने ये ट्री हाउस बनाया था अपना, बहुत मजा आया था। एंड अब मैंने इसकी जो है ना क्या फेंसिंग कर दी है कि अब मैं गिरने का कम से कम चांस है भाई, कम से कम चांस। तो अब मेरा ट्री हाउस एकदम मस्त है। एंड ये तो मेरा बेड है ना, तो वहाँ पे मैंने किसके लिए बेड लगा रखा है? ओके तो दोनों भी उठ ही चुके होंगे अब तक। और मन कर रहा है ना मैं तुझे मार दूं। मेरे पूरा का पूरा विलेजर्स ना सबसे बकवास चीज है गेम के अंदर। मतलब लगते तो कितने अच्छे। अबे ये अभी तक सो रहे हैं। वॉच भाई सुबह हो गई, अब उठ रहे हो तुम इतनी लेट। ये टूल्समिथ और ये है। अबे मैं अंदर ही घुस गया, कोई बात नहीं। चलो भाई हट, ओए हट। तो इस वीडियो में मुझे उस तरफ शिफ्ट होना है। तो मेरा पूरी वीडियो का प्लान बन रखा है, तुम दोनों अंदर ही घुस जाओ। तुम दोनों दोस्त हो ना भाई, तो अंदर घुस जाओ। जबकि जेल मैंने तेरे लिए बना रखी है, हो क्या रहा है यहाँ पे? दिमाग खराब कर रख रहा है। देखो तुम्हारे लिए 3 बेड है, तुम 3 लोग हो। और आज से मैं कासल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम तीनों का पूरा कासल है, अब समझ लो ठीक है। ये पूरी जगह तुम्हारी है, बस मैं यहाँ पे मैप देखने आऊंगा बस। तो आज से मैं इस जगह से शिफ्ट हो रहा हूँ और तुम्हारे हों से भी शिफ्ट हो रहा हूँ मैं थोड़ी सी दूर। तो भाई अब मैं आ गया हूँ अपने प्यारे प्यारे ट्री हाउस में। तो आज से यही है भाई मेरा घर। यार ट्री हाउस बहुत मस्त लग रहा है, कितना सुंदर ट्री हाउस लग रहा है मुझे, पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाइन्स इतनी है ना, मुझे वाइन्स बहुत अच्छी लग रही है इसकी। नीचे अभी मैं घास उगा दूंगा ना, मेरा प्लान नहीं था, मेरा प्लान तो ये था कि घर तो मेरा वहीं रहेगा। हाँ चेंज तो होगा कभी ना कभी भैया, एंडर ड्रैगन से भी लड़ाई करनी है। सो इन टूडेज वीडियो आई विल गोइंग टू माइन, या आई एम गोइंग टू माइन एंड आई मुझे ओके भाई। ओके ओके पीसी की बैटरी लो हो गई, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ ठीक है। हाँ तो अब ठीक है, पता चला रिकॉर्डिंग करते करते पीसी बंद हो जाए भैया। पीसी की बैटरी पता नहीं क्या है भाई, बट कोई नहीं, मेरे पास चार्जर बगल में ही है, चार्जर भी ऑन होता रखा है। तो अभी मैं कोशिश करना है मुझे कि ये जो है ना डेजर्ट को, कोशिश करना है कि मुझे डर्ट के पूरे जंगल में बना देना है ऐसे। हाँ भाई वो तुम, मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं पूरी एक दो स्टैक या पूरे क्रिएटिव से ले आऊं डर्ट, और यहाँ पे ना इतनी पूरा डर्टी डर्ट भर दूं। मतलब रेगिस्तान गया ही नहीं, रेगिस्तान गया बाहर में पूरा का पूरा है ना। इस ब्लॉक से मैं जितनी भी है ना, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में खड़े होकर यहाँ पे कुछ ऐसा कमांड होना चाहिए था कि मैं बस एक कमांड लिखूं, मैं इस ब्लॉक पे खड़ा हूँ एंड यहाँ पे मैंने कमांड लिखा, ये जितनी भी सैंड है ना ये डर्ट के अंदर बन जाए भाई। डर्ट सैंड हो ही ना, जगह में सैंड ही ना हो। हाँ वैसे ये घर जो जमीन पे, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, छोड़ो। तो अभी हम जाने वाले हैं माइन में। सो मैंने प्लान कर रखा है कि इस वीडियो में हम माइन में जाने वाले। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सम मोर ट्रीज यार, आई नीड सम मोर। मुझे 9x9 की जगह बनानी है यहाँ पे। एक डर्ट क्यों तोड़ रहा है? ओके तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, तो मैं 3x3 का बना दूंगा, मतलब 1 2 3 4 5 और मुझे चाहिए पेड़। ओके पर प्लीज मेरे घर को खराब मत कर देना। सो आई नीड सम वो क्या बोलते हैं, मेरे पास बिर्च के सैपलिंग है, बिर्च के मैं नहीं लगाना चाहता क्योंकि मेरे पास पूरे इतना बड़ा जंगल है, तो मैं जंगल का ही तो बनाऊंगा ना। ऑफ कोर्स जंगल पेड़ लगाऊंगा मैं, जंगल वाला पेड़। सो मैंने यहाँ पे जंगल वाला पेड़ लगा रखा है एंड मैं जंगल वाले पेड़ को कट पाने वाला हूँ। क्या कर सकता हूँ? वुड तो देखो मुझे चाहिए ही चाहिए ना। नहीं मुझे वुड नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे सैपलिंग चाहिए। आई डोंट नीड वुड, वुड भी चाहिए बट फिलहाल के लिए तो मुझे सैपलिंग चाहिए तुम्हारे लिए। सैंड यूज करता हूँ ना भाई। ओके तो इन्हें मुझे ऊपर चलकर तोड़ता हूँ मैंने, तो ऊपर आने का रास्ता भी मुझे यहाँ पे लैडर बनानी होगी। हमेशा ये थोड़ी है कि वाइन से ही जाऊंगा भाई, है ना। वाइन्स तो पुराने जमाने की टेक्निक है एक। तो मैं इस पेड़ को तोड़ने वाला पूरा का पूरा। एक सैपलिंग तो गिरा दे भाई, मुझे एक सैपलिंग चाहिए, तो मुझे बहुत 5-6 सैपलिंग चाहिए। तुम दो वरना भाई भाई मैं तो क्या करूं। व्हाट? एक सैपलिंग तक नहीं दिया भाई, कैसा कंजूस पेड़ है भाई तू। इतना कंजूस पेड़ भी मत कर। कंजूस पेड़, एक भी पौधा नहीं दिया मुझे। बस 5-6 पौधे दे दो वरना मैं पूरा ट्री हाउस ना उखाड़ कर रख दूंगा। हाँ इतनी मेहनत की है मैंने इस ट्री हाउस को बनाने में और तुम मुझे दोगे नहीं। ए मिल गया। चल बस एक ही दिया इसने, सिर्फ और सिर्फ एक। इतना कंजूस पेड़ है ना इतना कंजूस पेड़ मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा कभी भाई। इतना कंजूस पेड़ क्या भाई, पौधा ही तो मांगा क्या भाई, पौधा ही तो मांगा। कौन सा कौन, मैंने काट तो से बेकार है। अब तू दे दे पहले, और अगर तो नहीं दिया ना तूने भाई, अगर तो अबे यार तू टूल स्मिथ इतनी आवाज मत कर। और हाँ तुम सारे विलेजर को बोल रहे हाँ मत करो ज्यादा, मैं तुम्हारा हाँ बना दूंगा जब देखो। हाँ 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 अच्छा मैं इसे पूछता हूँ, चलो यहाँ पे बैठकर पूछ तो इनके आगे ही पूछूंगा ना मैं। क्या तुमने श्रेष्ठ नेगी के चैनल को सब्सक्राइब किया है? हाँ ओके, तो क्या श्रेष्ठ नेगी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेगा? हाँ देखा, ये सब मेरे बारे में जानते हैं। छोड़ो तो यार, ये सैपलिंग कब देंगे? भाड़ में देंगे सैपलिंग, मैं ले ही नहीं रहा सैपलिंग। ये जो एक सैपलिंग बचा ना, अभी इतना कौन टाइम लगाते हैं। नीचे सीधा लेफ्ट लो और जाओ। तो इस वाले पेड़ को मैं पूरी लॉक काट दूंगा और इसके नीचे एक माइन होगी सीधा, मीन्स इससे मैं यहाँ पे ढक दूंगा। ओके तो मुझे लगा था ये भी नहीं करेगा कुछ, बट इसने किया। He did some work। जो मेरी इन्वेंट्री में जो एक स्पेस है ना, उसके अंदर प्लीज एक सैपलिंग दे दो। शायद अगर तो मैं एक्स से तोड़ूंगा ना तो इसकी ज्यादा मुझे परसेंट चांस हो जाएंगे इनके सैपलिंग मिलने के। रुको मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ सैपलिंग, मैं वुड इधर तो लगा सकता हूँ। ये रहा एक सैपलिंग, मतलब मैं सैपलिंग भी ले दूंगा और अगर तो वुड भी लूंगा तब तो फायदा ही फायदा होगा। आई हैव ओनली एंड ओनली फायदा। ओके एक और सैपलिंग। भाई ये पेड़ बहुत अच्छा है, स्टिक्स भी दे रहा है। भैया क्या पेड़ है, वैसे तो मेरा वाला पेड़ है। अब मेरा वाला पेड़ आ रहा है यहाँ पे। अबे भाई पूरी स्टैक डाल दी, व्हाट? क्या मैं इसके अंदर अटकर मेरी हेल्थ भी नहीं जा रही थी। सारी भून मिल डाल दे श्रेष्ठ। ओके सो नाउ दीज आर बिग बिग ट्रीज। ओके तो भाई मेरे ऊपर जाने का रास्ता तुमने बंद कर दिया यार, वॉच। तो अब मुझे यहाँ पे लैडर लगानी पड़ेगी यार, मुझे वाइन्स अच्छी लगती है ना, मतलब लैडर तो कभी ना कभी तो लगनी है, बट वाइन्स भी बुरी नहीं है। ओके तो मेरे पास एक आइडिया, अगर तो मुझे ऊपर जाना है ना तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दे, यहाँ पे ऐसे चढ़, कुछ ऐसे कुछ ऐसे आइडिया। इसे ना ऐसे चढ़ जाऊं और ऐसे ना ऊपर चढ़ जाऊं। इस पौधे ने ना मेरा पूरा दिमाग खराब कर रख दिया। सो ये फिर हाँ बोल रहा है, मैंने बोला इस पौधे ने मेरा दिमाग खराब कर रख दिया। हाँ व्हाट क्राफ्टिंग प्लैंक्स बना ले, सारे बना लिए। व्हाट बटन लैडर बना लो, 9 लैडर फिलहाल के लिए तो काफी है। मैं 9 ब्लॉक्स नीचे ही जाऊंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा। ओके यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सैंड लगा दो, जबकि मुझे लॉग लगानी चाहिए थी। एक्स भी खत्म होने वाली है। ये लास्ट टूटा, एक और टूटेगा लास्ट, पता नहीं कब टूटेगा, और नहीं टूटे तो भी अच्छा है। व्हाट यहाँ पे मैंने सैंड नहीं लगानी थी, यहाँ पे ये लैडर ही लगा देते हैं। तो ये मेरी माइन तक रास्ता बनेगा, यहाँ से ना मैं लोगों पे और स्पाई कर सकता हूँ। ओके मेरे पास तो एक्स बहुत है, मैं डरने की क्या है बात, क्योंकि मेरे पास है बहुत सारी एक्स। वॉच और बना ले थोड़ी सी, हाँ स्टिक बना। यार गेम वालों ने यार विलेजर के अंदर हाँ वाली साउंड क्यों डाली? कुछ अच्छी साउंड डालते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है इससे। हाँ 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 हाँ, क्या आप सोते हो? हाँ। क्या आप इंसान हो? हाँ। क्या आप विलेजर हो? हाँ। क्या आप माइनक्राफ्ट खेलते हो? हाँ। क्या आप रिकॉर्डिंग करते हो? हाँ। क्या आपका यूट्यूब चैनल हो? हाँ। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? हाँ। भाई मेरा पूरा दिमाग खराब कर कर रखा है। ओह वाओ, मेरे पास पिकैक्स भी है तो अभी माइन में जाने वाले। क्राफ्टिंग नो कोयला, फर्नेस बनाना पड़ेगा। मैंने आज तक फर्नेस बनाया भी है कि नहीं बनाया? भाई इतनी देर से मैं गेम खेल रहा हूँ, मैंने आज तक फर्नेस बनाया भी? आई डोंट थिंक सो कि मैंने फर्नेस बनाया। इतनी देर से गेम खेल रहा हूँ, 5-6 पार्ट बन चुके हैं गेम के, बट अभी तक मैंने फर्नेस नहीं बनाया। गेम का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब जो पहले दिन लोग बना देते हैं वो मैंने अभी तक नहीं बनाया। तो भाई मैं डायमंड्स क्या माइन क्यों बना रहा हूँ मैं बेकार में, जब मैंने इतना ही काम नहीं किया अभी। फर्नेस मैं एक बार देख कर आने वाला हूँ, अपने कासल में तो है ही नहीं तो मैं वहाँ जा ही क्यों रहा हूँ। कॉबलस्टोन होगा वहाँ पे शायद, है मेरे पास कॉबलस्टोन? आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कॉबलस्टोन है। सो रुको, मैं तो पीसफुल पे खेल रहा हूँ ना, तो मैं डर क्यों रहा हूँ बेकार में, पीसफुल पे खेल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। जब तक मुझे फर्नेस के लिए कॉबलस्टोन हाँ ढूंढ रहा है भाई, तो फर्नेस क्यों ढूंढ रहा है यार? ढूंढनी तो मुझे, अरे यार मैं तो सैंड वाले बायो में रहता हूँ ना, ये तो प्रॉब्लम भी है। ओह नो, आई नीड एन वन मोर एक्स लैडर। ओके नाउ आई कैन गो अप। तो मुझे अगर तो कॉबलस्टोन ढूंढ रहे हैं तो ऐसा करता हूँ ना, सुबह कर लेता हूँ। अरे हाँ वहाँ पे रुक होने से पहले मैंने जस्ट अभी सोते वक्त देखा, नीचे जाना है मुझे। अरे हिल नहीं रहा। ये देखो यहाँ पे कॉबलस्टोन एंड याद है अभी कि यहाँ पे तो फर्नेस लगे हुए हैं यार। फर्नेस क्या ऐसा करता हूँ, इसके यहाँ पे क्यों पकाऊँ, अपने घर के अंदर लेकर चलता हूँ सीधा फर्नेस। ओके तो 2 फर्नेस आ चुके हैं मेरी इन्वेंट्री में, तो फटाफट लेकर चलते हैं ये फर्नेसेस। देखो इसने 2 चारकोल बना भी दिया, इसने 1 बना दिया, सब बना रही है धीरे धीरे। तो अभी मैं इन्वेंट्री में टॉर्च बना लेता हूँ। वट, मैं चारकोल से टॉर्च नहीं बनती क्या? क्या नहीं बनती तो है, इसमें क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं। शायद चारकोल इज नॉट द रियल मटेरियल ना, तो इसलिए नहीं दिखा रहा। अबे मैं लगा ही नहीं पा रहा टॉर्च। बे अच्छा हाँ, आई डू नो क्यों नहीं लगा पा रहा। बट आई नीड सम मोर लैडर्स यार। यार इतनी बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी आज तो भाई। बटन क्यों बोल रहे हैं वैसे? ओके तो यहाँ पे अपने ये रखो ना। एंड ये मुझे आवाज अच्छी नहीं लगती, जब भी मैं एस्क दबाऊं, कोई भी बटन दबाऊं ना, मेरे दिमाग खराब करने आ रहा है। सो आई नीड टू गो मोर डीप डाउन। ओके एंड अब सैंडस्टोन आ गए, तो अब क्या मैं थोड़ा सा और नीचे चला जाता हूँ, सैंड गया ना गिर जाती है सीधा। ओके मैं कॉबलस्टोन वाले लेवल पे पहुंच गया। सो आई कांट नहीं, आई कैन ब्रेक हेयर एंड मेक। ओके तो ऊपर तक रोशनी आ रही है। वाओ श्रेष्ठा नेगी हैज मेड द एडवांसमेंट स्टोन एज। भाई मैंने अभी तक स्टोन ही नहीं तोड़ा था। ओके तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा ऐसा, हाँ हाँ मैं तो अभी मुझे काम पे जाना है अभी थोड़ा सा, तो ऐसा करते हैं तब तक मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ा सा आगे खुदाई करने के बाद। कुछ भी नहीं। तो भाई हमने खुदाई कर ली है, बेटर ऑफ तक नहीं बोल सकता मैं, बट हमने बहुत आगे तक खुदाई कर ली है नीचे। एंड आप बोल रहे होगे मैंने बहुत सारा आयरन माइन किया, बट मुझे एक्वेयर की यहाँ पे भी मैंने आयरन था तो वो भी हमने माइन किया था। यहाँ पे लैडर आप बोल रहे होगे लगाई है, तो ये एक डिज़ाइन के लिए बनाई है। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट इन्वेंट्री फुल हो गई थी ऐसी लगा थी। हमें तो डेकोरेशन भी वो वाली अच्छी लगी है। ऊपर बैठ जा भाई तू, मेरे दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे भी मुझे टॉर्च लगा देनी चाहिए। एंड यार मेरी पिकैक्स टूट गई, वरना अभी मैं माइनिंग पे ही था। जस्ट मैंने नहीं की, मेरी बहन ने की। आप भी उन्हें हाय बोल दो। हाँ क्या हाय क्यों बोल रहे हो ऐसे? तो वैसे अब तू चैनल पे आना कम बंद हो गई टाइप ऑफ। और उसने वहाँ पे इतना ज्यादा आयरन था भाई, और वो खुद ही जा रही है, मतलब ऊपर नहीं देख रही। और चल यार टॉर्च तो फ्लिंट भी मिला हमें खुदाई के वक्त। तेरा चारकोल ओके, सो वी नीड सम मोर टॉर्चेस। यार तीन मतलब मैं बहुत सारी अभी टॉर्चें बना सकता हूँ। एंड बेयर्स, हाँ वही तो मैंने बोला कि भाई मेरी सारी कोयला कोयला के बिना भी हो जाता है ना। ओए बीटरूट से रेड है, मुझे पता ही नहीं। ओके भाई मेरे 16 टॉर्चें बन गए। वाह, चेस्ट के अंदर हम ये सामान रख देते हैं अपना। ये भी रख देता हूँ अपने पास इन्वेंट्री में। बेड पता चला वहाँ पे मेरे पास गोल्ड नहीं है ना, वरना क्लॉक बनाकर मैं नीचे चला जाता। अब मुझे पता चला क्लॉक का क्या यूज होता है। वो बताती है माइनिंग के वक्त में वो बहुत यूजफुल होती है। सो टॉर्चें ये रही 9F एंड यही होता है सबसे अच्छा माइनिंग का तरीका। आप भी अगर तो माइनिंग करते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टॉर्च लेफ्ट हैंड में पकड़ो। या तो आप सीधा यहाँ से ऐसे पकड़कर ड्रैग कर सकते हो टॉर्च को, या तो आप जैसे अगर तो सपोज ये इस वाले बॉक्स में, तो ये कौन सा बॉक्स है? 9 वाला बॉक्स है। तो मैं 9 पे क्लिक करूंगा, F पे क्लिक करूंगा और पिकैक्स पकड़ लूंगा। और अब जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा अपनी टॉर्च प्लेस हो जाएगी। बट अभी प्लेस नहीं करनी, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं एक। तो ये रहा वो आयरन, मतलब ऊपर है भाई। यार तुझे देखना नहीं आता क्या भाई? मतलब तुझे गेम में कुछ भी नहीं दिखता क्या? मतलब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आयरन है। अरे तो भैया थोड़ू बहुत तो मुझे भी दिख रहा था। वहाँ पे टॉर्च भी जब मैंने लगाई तब मुझे और अच्छे से क्लियर हुआ। एंड भाई मुझे बहुत आयरन मिल रहा है, तो आई थिंक सो कि मुझे डायमंड के लेवल पे माइन करना होगा। बट मेरा किसी भी मॉन्स्टर से पंगा लेने का मन नहीं कर रहा। क्या पीसफुल पे एंडर ड्रैगन होता है? आई डोंट थिंक सो। डरूंगा मैंने बोला तो लिया। अब तो मैं डर रहा था तो मुझे आयरन नहीं मिलता, क्या पता डायमंड भी मिल जाए। वाह भाई वाह 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 वाह, डर के आगे ही आयरन है और डायमंड्स है। चलो ढूंढे डर के आगे डायमंड्स और आयरन। मैंने 2 टॉर्चें लगा दी भाई, टॉर्चें भी बहुत कम है। ओके लावा आ गया शायद। रोशनी किस चीज की आएगी? लावा की। या एंड या आई थिंक सो आई एम राइट, सो इट्स लावा। तो मैं ऐसे कूदता हूँ ऐसे। मुझे पता है कि भाई कुछ यहाँ पे अगर तो मैं ऐसे ब्लॉक लगा दूंगा कुछ यहाँ पे, तो आई थिंक सो कि लावा बंद हो जाना चाहिए थोड़ी देर में। भाई साहब तो एग्जैक्ट मैं लेवल 11 के कोऑर्डिनेट में हूँ। एंड डायमंड 100% अभी मुझे मिलने वाले हैं भाई। यार ओए आयरन भी है, बट भाई इतना रिस्क है कि मैं आयरन लूंगा? ऑफ कोर्स नहीं लूंगा। डायमंड होते तो मैं लेता। तो मैंने सुना है कि लावा के आसपास ना बहुत डायमंड्स मिलते हैं, क्योंकि मैंने जब भी डायमंड्स देखे ना लावा के आसपास जरूर से होते हैं। लावा के आसपास ही होते हैं, सिर्फ यहीं पे हल्के लावा आसपास है। आसपास तो मैं आई एम श्योर कि मुझे मिलने वाले हैं बहुत सारे डायमंड्स। अब लावा क्यों खत्म हो गया पता नहीं, बट आसपास होंगे डायमंड भैया। तो मैं इन सबको, तो आप बोल रहे हो कि भाई तोड़ क्यों नहीं रहा, तो मैं इसलिए नहीं तोड़ रहा क्योंकि इसके पीछे लावा हो सकता है यार, तभी तो मैं नहीं तोड़ रहा था। या बंद कर दो यहाँ का लावा। दूर दूर से माइनिंग करनी है भाई। ओके तो मुझे कोयला मिल गया। वाओ 8 पे कोऑर्डिनेट, 7 कोऑर्डिनेट्स, वाओ कोऑर्डिनेट। एंड मोर कोयला इक्वल टू मोर टॉर्चेस। मैं लकड़ी लेकर नहीं आया पर व्हाट द हेल। वेट, डायमंड्स, वो डायमंड्स। Shrestha Negi has made the advancement diamonds. Yeah! वो डायमंड्स भाई, अगर तो मैं कोयला को नहीं खोता तो सोचो डायमंड्स नहीं मिलते आज भाई। मैंने बोला था ना डर के आगे डायमंड्स है, नो वे। डर के आगे लावा है, डर के आगे लावा, डर के आगे लावा है, आसपास लावा ही लावा है भैया। मैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, खुशी हो रही है। गुस्सा क्यों बोल रहा हूँ मला मैं यार भाई। इस वीडियो में तो डायमंड ढूंढ लिए यार। मुझे पता था। तू चुप रह, तुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे पता। नहीं तो लाड भी हो गए। एक डायमंड और चाहिए जस्ट मुझे डायमंड ब्लॉक बनाने के लिए भाई। मैं डायमंड का हर उम्र बना सकता हूँ। और अब डायमंड कुछ भी नहीं है गेम में। अब डायमंड से भी खतरनाक चीजें आ चुकी है जैसे नेदरराइट, फर्नेस, चेस्ट। भाई क्या यार, पर आज तो यार पिकैक्स बनानी तो बनती है। पिकैक्स बनाना तो बनता है। अबे क्या ग्लिच आ रहा है। अब पिकैक्स बनाना तो बनता है भैया। पिकैक्स तो बना कर ही रहूंगा मैं। रात हो गई। पिकैक्स तो डायमंड की पिकैक्स तो आज तो बनने वाली है। पक्का बनेगी आज पिकैक्स डायमंड की। आज मैं बस एक डायमंड मिल गए। चुप रह भाई। फाइनली हम माइनक्राफ्ट के प्रो बन गए। 3 डायमंड एक्स्ट्रा बचे हुए हैं तो इन तीनों डायमंड को चेस्ट में रख दे रहे हैं हम फटाफट। एंड भाई आज तो बहुत मजा आया। अब मजा आता है गेम को खेलने में जब डायमंड्स मिल जाते हैं भाई। आज से विलेजर गए भाड़, क्योंकि भाई इतने एपिक ट्रेजर मिलता है हमें यार। मजा आ गया। और देखो तो जस्ट मेरे कोयला कहाँ रख दिया। अब अबे भाई कोयला कहाँ रख दिया। अबे यार मैं इतना खुश हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। तो मैं ऐसा कर देता हूँ ना, इसके अंदर रख देता हूँ ये इतने। इसके अंदर नीचे रख दो, इसके अंदर ये रख दो ऊपर की तरफ। ओके 17 इसमें, 14 इसमें। ओके वेरी गुड। तो भाई इस वीडियो को आउटरो करने में तो बहुत मजा आने वाला है भाई। डायमंड पिकैक्स के साथ आउटरो करूंगा। ऐसे नहीं आउटरो भैया। पिछली वीडियो का जो थंबनेल था ना, मुझे इस वीडियो में वो थंबनेल लगाना चाहिए था कि डायमंड्स तो हमें मिल गए। इस वीडियो का एक ही टाइटल होने है फाइनली फाउंड डायमंड्स। या तो मेरी न्यू वाली स्किन आपने देखी तो ली थी ना। हाँ ओके। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।